आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकालकर सभी लोगों से घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं महूगंज में भी इन दिनों प्रशासन द्वारा घर घर तिरंगा अभियान को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 10 अगस्त को सीएम राइज स्कूल में आयोजित की गई तिरंगा यात्रा में प्रशासनिक अधिकारियों, समाज सेवी संगठनों और स्कूली बच्चों ने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी भागीदारी की है। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। लोगों में जागरूकता लाने और उससे प्रेरित होकर पूरे देश में तिरंगा फहराए, इसके लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मऊगंज में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। मऊगंज में प्रशासन द्वारा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज सेवी संगठनों और शासकीय स्कूली बच्चों ने भागीदारी की। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने किया है। मऊगंज में आयोजित तिरंगा यात्रा में कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वी के लाल, SDM AP द्विवेदी, SDOP नवीन दुबे, थाना प्रभारी श्वेता मौर्य, प्रभारी तहसीलदार दीपिका पाव, BMO SD कोल, PWD SDO राजेश श्रीवास्तव सहित तमाम संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ये सीना फुलाए हुए हमारे बच्चे तिरंगा लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं और भारत माता की तीन शक्तियाँ सर अपने कैंसिल करके हम लोग को निर्देशित करके पूरी व्यवस्था बनाई है। हमारे अध्यक्ष श्रीमान शुक्ला भैया, उनके निर्देशों पर चल करके हम लोग निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को गरिमा के अधिकारियों से कि इस भारत माता की चैन का अवलोकन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इस कार्यक्रम को गरिमा